हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? और आज हम करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप आई शैडो हम कैसे करते हैं वो मैं सिखाने वाली हूँ। सबसे पहली बात, मैं कोई एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छे से मेकअप करना नहीं आता है, बट बहुत लोग हैं जिन्हें बेसिक भी नहीं आता है, तो ये वीडियो उनके लिए है। अगर आपको बहुत अच्छे से मेकअप आता है और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसा मेकअप करा है। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज रुकिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू यूज दिस माय फेवरेट कलर बोर्ड का, क्योंकि इसमें इतने सारे शेड्स हैं। सी फोर पैलेट में बहुत सारे शेड्स हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू प्ले विद दिस ब्लू पैलेट। तो हम ब्लू कलर्स यूज करेंगे आज, ब्लू कलर्स लाइट एंड शिमर। मैंने अपने फेस को पहले से ही प्रेप किया है प्राइमर मॉइस्चराइजर फाउंडेशन लगा के, और आईब्रोज कर ली हैं और कंसील कर लिया आईज को। हमें सिर्फ करना है आई शैडो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हम बेस में सबसे पहले बेस को यहाँ पे क्रीज के पास ऊपर यूज करेंगे लाइट ब्लू। अगर आपने एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हो, आपने कभी पहले करा नहीं है, तो आप यहाँ पे टेप भी लगा सकते हो ताकि आपको एकदम क्रीज मिले अच्छी सी और आपका लाइनर भी एकदम परफेक्ट लग के आएगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब मैं बिना टेप लगा के करती हूँ। हमको बेस में हमेशा लाइट कलर करना होता है। और अब जो हम लास्ट में करेंगे यहाँ पे आउटर कॉर्नर पे, इसमें हम करेंगे डार्क। सेम कर लेते हैं इस साइड, बेस में लगाएंगे लाइट ब्लू। एकदम हल्के हाथ से हम इसको रोल ऑन करेंगे, दूर से पकड़ के जस्ट ब्लेंड। हाँ, मैंने आगे का यहाँ मैंने छोड़ा है, दैट इज फॉर शिमर के। हम यहाँ पे शिमर लगाएंगे यहाँ स्टार्टिंग में। तो ये हम लीप करते हुए ही फ्रॉम फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट हल्के हाथों से ब्लेंड करेंगे। जहाँ हमें डार्क चाहिए वहाँ हम कम ब्लेंड करेंगे, जहाँ हमें लाइट चाहिए वहाँ ज़्यादा ब्लेंड करेंगे। दोनों आईज में परफेक्टली ब्लेंड होने के बाद तो कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है वाइल डूइंग आई मेकअप, कि बेस पे हमेशा यहाँ पे लाइट कलर यूज होगा, इनर कॉर्नर में हमेशा लाइट कलर यूज होगा और आउटर कॉर्नर में डार्क कलर यूज होगा। यू कैन यूज लाइट ऑल्सो हेयर बट यू कांट यूज डार्क हेयर। डार्क हम अंदर की तरफ नहीं करते हैं तो आईज बहुत छोटी लगने लगेंगी, इसलिए हम डार्क हमेशा आउटर साइड में करते हैं ताकि हमारी आईज बड़ी बोल्ड और सुंदर लगे। तो हम डार्क करेंगे बाहर और लाइट करेंगे अंदर। अब हम कट क्रीज करेंगे, बहुत ही इजी है। कोई भी अपना फेवरेट कंसीलर लेके, हाथ में कंसीलर लेके ब्रश से, यू विल यूज दिस टाइप ऑफ ब्रश। सी इट्स अ फ्लैट, आगे से फ्लैट है एकदम।
हमने अपनी कट क्रीज ऐसे करनी है। दूसरे आईज में भी सेम कर लेते हैं। ये आपको करना है अपनी आईबॉल के अराउंड, आईबॉल के शेप में ही आपको क्रीज कट करनी है। अब हम लगाएंगे, अब मैंने दोनों आईज आगे से कट कर ली है, इसलिए भी और ये भी। अब हम इसमें लगाएंगे शिमर। शिमर तब मुझे लगता है शिमर हैंड से ही सबसे परफेक्ट लगता है, तो मैं लूंगी ग्रे वन, ग्रे शिमर। ये ग्रे है, थोड़ा सा ब्लूइश इफेक्ट आ रहा है, बट दिस इज ग्रे। अप्लाई करूंगी आगे वाली एरिया में, कितना इजी लग रहा है। मैं ब्लू कलर लेके थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। इस वाली आईज का मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो जैसे मैंने ये वाली आईज करी, वैसे ही अब मैं करूँगी अपनी दूसरी आई। तो ये मैंने डार्क कलर यूज़ किया है, बैकग्राउंड में लाइट कलर यूज़ किया है, लाइट शेड, और आगे हम कंसील करके मैंने क्रीज काटी थी। डैब डैब करके अप्लाई कर लेंगे। एंड में और दोनों को कंबाइन कर दूंगी। मेरी दोनों आईज हो गई हैं रेडी। अब इसमें लगा लेते हैं लैशेस और लाइनर। ये मैंने लगा ली है लैशेस, एकदम ही लाइट हैं, मैंने कोई हैवी लैशेस नहीं लगाई हैं। नाउ लेट्स अप्लाई सम लाइनर। ऑलवेज टेक स्मॉलर ब्रश फॉर लाइनर। सेम लगा लेते हैं दूसरे आईज में। वैसे आई मेकअप करना इजी ही होता है अगर कोई हमें बेसिक बता दे अच्छे से, तो इट्स इजी टू डू, सच कोई टफ नहीं होता है। फर्स्ट में और आई मेकअप ख़त्म करने के लिए हम लेंगे हाइलाइटर, उसको लगाएंगे आईज के आगे, यहाँ भी यहाँ भी। अरे हाइलाइटर्स मेरे फिंगर से ही अच्छे लगते हैं।
गलती से. वी आर कंप्लीट, हैव कंप्लीटेड आवर आई मेकअप विद फेस मेकअप फ्री. कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल इस आई शैडो का? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा. कोई भी क्वेरी हो या कोई भी इम्प्रूवमेंट हो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए. और अगर आपके पास वीडियो का कोई सजेशन है तो आप वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.